दोस्तों मैंने नोटिस करा है कि यहाँ पर जब भी बर्ड घोंसला बनाती है तो उसके सारे अंडे नीचे गिरे हुए रहते हैं और बच्चे भी सारे, क्योंकि वहाँ पर सपोर्ट सिस्टम है नहीं। तो इस बार मैंने थोड़ा सोचा यार नहीं, इस बार कुछ करना पड़ेगा क्योंकि चिड़िया वहीं पर घोंसला बना रही है बार बार। चिड़िया इतनी छोटी सी जगह पे घोंसला बनाती है तो यार अंडे तो गिरी गई। तो मैंने क्या किया, ईंट लगा दी है और ईंट बढ़िया से लगाई है, पीछे सपोर्ट दिया हुआ है, गिरेगी नहीं ईंट, अब अंडे भी नहीं गिरेंगे और चिड़िया के बच्चे भी नहीं गिरेंगे, बढ़िया है ना। और आप देखो पीछे भी मैंने एक पत्थर रखा हुआ है और इससे भी पीछे को बच्चे नहीं आ पाएंगे बट चिड़िया उड़ सकती है। यस। और पता है इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, जब मैं ये इस घर को बना रहा था चिड़िया के, तो चिड़िया मुझे देख रही थी और खुश हो रही थी कि नेगी भाई मेरा घर बना रहे हैं, अब मैं नेगी भाई के लिए गाना गाऊंगी रोज सुबह सुबह, ची 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 ची। चिड़िया जो होती है यार बड़ी प्यारी होती है। और अब देखो काफ़ी अच्छा लग रहा है, अब अंडे भी नहीं गिरेंगे, बच्चे भी नहीं गिरेंगे, अच्छा लग रहा होगा उसको। पाँव रखना ना जमीन पर, जान रुक जा तू घड़ी भर, थोड़े तारे तो बिछा दूं मैं तेरे वास्ते, आजमा ले मुझको यारा, तू जरा सा कर इशारा, दिल जला के जगमगा दूं मैं तेरे रास्ते। हाँ मेरे जैसा इश्क में पागल, फिर मिले या ना मिले कल, सोचना क्या हाथ ये दे दे मेरे, आजा मेरी बुड़ी। चेस। दोस्तों ये जो जूस है ना, ये है पालक के पत्ते, राई के पत्ते, चौलाई के पत्ते और इसमें पुदीना भी है और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है, ये हम सब जानते हैं। तो जब हम सब जानते हैं तो इसका सेवन करना चाहिए हमको, इसको पीना चाहिए। आजकल मार्केट में हरी सब्जियाँ बहुत सस्ती भी हो रखी है, तो यार आप लोग भी पिए। और मानता हूँ कि हर किसी को इसका स्वाद पसंद नहीं आ सकता, लेकिन इसके बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। तो आप क्या कर सकते हो, इसको नॉर्मल जो जूस होता है ना, अनार का जूस, सेब का जूस और कौन कौन से होते हैं यार याद भी नहीं आ रहे मुझे, ऑरेंज होता है, मिक्स फ्रूट होता है, तो उसमें भी आप इसके पत्ते, राई के पत्ते, पालक के पत्ते, पुदीना मिला सकते हो, है ना, बहुत अच्छा होता है। मेरे यारो अब मैं आपको ले चलता हूँ लहसुन यानी गार्लिक की खरीदारी में, जहाँ पर हम भारी मात्रा में डिस्काउंट दे रहे हैं। मेरी मम्मी बोल रही है 200 रुपए किलो। ये देखिए दोस्तों हमको तोलने की मशीन मिल गई है। अच्छा कहाँ से मिली है मशीन? देखो दोस्तों इसमें लहसुन है और अब मम्मी ये बताएगी, गैस करेगी कि ये कितना किलो होगा, बताओ पहले बताओ। एक किलो होगा? एक किलो से ज्यादा होगा। चलो देखते हैं। अरे ये तो ज्यादा है, ये वाला ऊपर टांगी सबसे वो धर्म यही है, सही सही ये है, और ये ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। अच्छा ये एक किलो है और अभी भी ये ज्यादा हो रहा है, ये सही होना चाहिए। अच्छा हमें तो पता ही नहीं था ये ज्यादा हो गया, देखता अभी भी हम ऐसा है हमको, हाँ? ये ज्यादा होना चाहिए। अच्छा थोड़ा मेरे को तो मम्मी कह रही है कि हम थोड़ा ज्यादा देते हैं, दुकान में थोड़ी देते, दुकान में तो एक भी है निकाल देते हैं। थोड़ा ज्यादा ही रखते हैं हम, कम नहीं रखते। अच्छा दोस्तों यही ना दूसरे गांव में 200 रुपए किलो बिक रहा है और यहाँ पर लोग बोल रहे हैं 80 रुपए किलो चाहिए। तो हम 150 बोल रहे हैं, 130-150। अच्छा जब बाजार में जाना ना तुम तो कैसे बोलते है कि एक पाव देना भैया कितने का है, ये 30 रुपए का है, 50 ग्राम देना या 70 रुपए का है, कैसे बोलते कैसे लेते तुम। तो दोस्तों मुझे नहीं लगता मम्मी इनको सही से बेच पाएगी, ये लोग सब ले लेंगे 80 रुपए 50 रुपए किलो, मुझे पता है। बहुत मेहनत करी है ना, वो और अच्छा भी है ना, ऐसे थोड़ी बना के रखा है, अच्छा सुखा भी रखा है ना, अच्छे से उनमें से गंदगी निकाल रखी है, मिट्टी निकाल रखी है। 80 रुपए किलो तो बिल्कुल भी नहीं, बहुत कम है। मेरी मम्मी के सामने कोई स्माइल कर देगा तो मम्मी मुझे लगता है कि एक थैली फ्री दे देगी। गांव का जादू रे, लासन ले लो लासन 200 रुपए किलो, लसन ले लो दोस्तों लसन। मेरी माँ तो मुझे लगता है 80 रुपए किलो दे रही है। माँ अगर कोई स्माइल करेगा और हंसकर बोल देगा कि बोड़ी 50 रुपए किलो दे दो, तो दे देगी ना। सब
राशि बताओ, जब हम दिल्ली में लहसुन लेते थे एक पाव तो कितने का मिलता था? 60 रुपए पाव है ना? और कभी 30, कभी 60। 60 रुपए पाव भी, कभी 50, क्योंकि लहसुन की जरूरत ज्यादा होती है ना। घर जाए ना, ये घर का है और ये हमने खुद भी उगा रखा है, तो हमने भी इतनी मेहनत कर रखी है, तो ऑर्गेनिक लहसुन है ये, इसलिए महंगा होता है। हमसे लेने आ रहे हैं वो 80 रुपए किलो लेने के लिए बोल रहे हैं, 100 रुपए तो क्या सभी तो बोलते, हम भी तो बोलते बाजार में कि हमको इतने रुपए किलो दे दे, दे दो। अच्छा, अच्छा। तो कोई दे, हम बोलेगा आम को हमको 20 रुपए केजी दे दो, 50 रुपए का बोलेगा, हम 10 तो कम करते हैं ना। अच्छा, बोलते हैं ना कि कम कर दो, तो फिर कोशिश करना कि 150 रुपए किलो तक बेचना ना। बोल रखा है पर देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो क्या। बहुत बढ़िया, मेरी मम्मी दुकानदार बन रही है। ये हमारे ग्राहकों के पास पैसे देखिए दोस्तों, कितने सारे पैसे। ये देखो दोस्तों, ये देखो मेरी मम्मी ने, ये देखो एक आधा किलो और रख दिया एक्स्ट्रा। बाय। ये भी किसी को देना है, और जो यहाँ पर रखा हुआ है ये मेरी बहनों को मम्मी दे देगी। लहसुन की खेती में कितना टाइम लगता है? लगते हैं 6 महीने में होते हैं, कोई भी फसल 6 महीने में होता है। 6 महीने और क्या, 6 महीने में गुड़ाई निलाई और नहीं भी गोड़ते हैं तो 10 बार गोड़ते हैं हम, 10 बार पानी चार के रोजाना चारते हैं हम गर्मियों में पानी। अच्छा, अब माँ ये बताओ कि लहसुन और प्याज की खेती में क्या अंतर है? अंतर कुछ नहीं है, वो लहसुन है और प्याज है, और लगाते एक ही दफे थोड़ा। दोस्तों मेरी मम्मी बताएगी कि लहसुन की खेती में कितना टाइम लगता है? मैं अभी एक बल्ला थिल मारूं तब पता चलो तेरे कहते होंगे। हां ये तो थोड़ खांदी वीडियो वाला दिमाग था मां, ना फोन कोई नहीं खा खराब चल मैं ना फोन, आवाज एक बार नहीं आंदी, दूसरी बार करण पूर्ण समझ गए। दोस्तों अब मेरी माँ आपको बताएगी कि लहसुन की खेती में कितना टाइम लगता है? 10 महीने 6 महीने बोले पहले, ठीक है। दोस्तों अब मेरी माँ बताएगी कि लहसुन की खेती में कितना टाइम लगता है? 6 महीने लगते हैं। अच्छा, तो मेहनत करने क्या तू बोल सकती है? अरे मैं ढंग से बोलने आ रहे। दोस्तों अब मेरी माँ आपको बताएगी कि लहसुन की खेती में कितना टाइम लगता है? कितना टाइम लगता है? 6 महीना और 6 महीने लगते हैं, 150 रुपए 130 रुपए किलो दे दिया। 6 महीने में लगते हैं 130 रुपए। ये कोई भी नहीं आएगा, 1 किलो 2 किलो चीनी। अच्छा दोस्तों मेरा भांजा बताएगा कि पराठा कैसे बनाते हैं? पहले आटा गूंजो, यस, फिर रोटी सेव का कुछ वो बनाओ, फिर उसके ऊपर से आलू डालो, यस, फिर उसको ऐसा जैसा बांध दो, फिर उसको यूं रोल कर दो, फिर कढ़ाई में तेल डालो, पूरी बता दी, पूरी समोसे की रेसिपी बता रहे थे क्या?